हेलो साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार सभी लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा कैसे हैं आप सभी लोग। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और जितने साथी लाइव हैं सभी लोग सेशन को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपके दोस्त आपके साथी हैं उनके साथ कॉपी पेन नहीं लिया है तो फटाक से कॉपी पेन उठा लीजिए, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, सभी लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। देखो ये जो आपकी क्लास हो रही है, ठीक है, ये आपका जो यूपी कांस्टेबल का री एग्जाम है उसके लिए। और अगर अभी भी किसी का एसएससी, आप में से किसी का एसएससी जीडी का पेपर आगे होना है तो वो भी प्रैक्टिस के रूप में इस क्लास को अटेंड कर सकता है। या फिर अगर आपको आगे जो है, ठीक है, वन डे एग्जाम आप देना चाहते हो, जैसे ऐसा है ना कि अगर कोई यूपी एसआई की भी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यूजफुल है। क्योंकि देखो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर उठाकर देखेंगे तो बहुत ही नॉर्मल से सवाल पूछे गए थे, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट में भी 5-6 रहते हैं, बट 5-6 सवाल आपको अच्छे भी मिलते हैं और कुछ प्रश्न आपको काफी कैलकुलेटिव हो गया या फिर भाई कंसेप्चुअल हो गया, वो भी आपको क्लास में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पी और क्यू एक दूसरे से 844 मीटर की दूरी पर है, वे दोनों क्रमशः 12 मीटर पर सेकंड और 8 मीटर पर सेकंड की चाल से समान दिशा में साइकिल चलाना शुरू करते हैं, कितने देर में पी क्या करेगा, क्यू को ओवरटेक करेगा। अब देखो डायरेक्शन की बात करी जाए तो दिशा यहाँ पे समान है, ठीक है, और जब दिशा समान होती है तो वहां पे रिलेटिव स्पीड यानी कि सापेक्ष गति कितनी हो जाएगी, भाई चाल घट जाएगी। तो 12 में से आप 8 घटा दोगे और 12 में से आप 8 घटाएंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते भाई समय कितना लग जाएगा। तो समय कैसे कैलकुलेट करोगे, डिस्टेंस दिया गया है 844 मीटर, 844 में आप भाग लगा देंगे 4 का तो ये आपका आ जाएगा 211 सेकंड। कितना आ जाएगा, 211 सेकंड आ जाएगा। तो 211 सेकंड को हम लोग क्या करें, देखो 180 को हमने अलग क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनट के रूप में दिया गया है, ठीक है। इसमें से 180 घटाओगे तो 20 और 11 31 हो जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 3 मिनट 31 सेकेंड। क्या होगा, 3 मिनट 31 सेकंड हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है। बताइए यहां तक बात समझ में आ गई, 3 मिनट 31 सेकंड हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, बताइए, सॉल्व करके बताइए। कैलकुलेट करके बताइए, क्या बोला गया, 500 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो कि 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए मोटरसाइकिल सवार को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रेन की चाल पता करते हैं, भाई ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, 500 मीटर लंबी ट्रेन है और 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी 500 प्लस का 400 ये टोटल हो गया 900 मीटर की डिस्टेंस कवर हो गई। कितने देर में पार कर रही, बोला गया 1 मिनट में और 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकंड, तो ये मीटर पर सेकंड आ गया भाई। 900 में क्या करोगे आप, 60 का भाग लगाओगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 × 6 = 90, यानी कि आपका आ गया 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। और जो बोला गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की दिशा के विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल, तो जो मोटरसाइकिल है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, भाई 18 किलोमीटर प्रति घंटे दिया गया, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे यानी कि गुणा करा लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई कवर होगी, बस आपको ये देखना है रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, विपरीत दिशा बोला गया है तो सापेक्ष गति क्या होगी, जुड़ जाएगी 15 + 5 यानी कि आपका 20 हो जाएगा। तो समय की बात करी जाए, टाइम यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 500 मीटर की दूरी और 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तो आप भाग लगाएंगे, आपका कितना हो जाएगा, 25 सेकंड, ठीक है। 25 सेकंड क्या होगा, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
25 सेकंड क्या होगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखो बहुत ही जल्द आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पेपर हुआ था उसको भी हम लोग क्या करेंगे आपके इस वाले प्रैक्टिस सेट में मैं शामिल करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। और सभी साथी सेशन को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए। अनूप वस्तु ए और बी प्रत्येक को 4,000 रुपए में बेचता है और पूरे लेन देन में कोई लाभ नहीं होता है। ए को 25% लाभ पर बेचा तो बी को कितने हानि पर बेचा। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस भी बताया गया है, दूसरा आपसे ये भी बोला गया है सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे समान है, बोला गया ना 4,000 में प्रत्येक को बेचता है, तो कैलकुलेट करके बताइए। क्या बोला गया, ए को 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% लाभ का मतलब क्या है, 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 4 रुपए वाला सामान 5 में बेचा जा रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब दूसरा सामान भी 5 में ही बेचा जा रहा होगा, सर ऐसे कैसे, फिर बोला गया ना प्रत्येक को बेचता है 4,000, तो ये 5 में, तो ये भी 5 में बिकेगा। अब ये अगर क्रय मूल्य, आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यानी कि यहाँ पे 1 यूनिट का लॉस हो रहा होगा, यहाँ पे 1 यूनिट का प्रॉफिट है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 यूनिट का लॉस हो रहा होगा, यानी कि 6 यूनिट में वस्तु खरीदी गई थी, 6 में खरीदा गया था और 5 में बेचा गया है, तो आपसे लॉस परसेंटेज पूछा जा रहा, हानि प्रतिशत पूछा जा रहा, कितना हो जाएगा। 1 का घाटा है किस पे है, 6 पे, परसेंटेज निकालना है, 100 का आप गुणा कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3 यानी कि 16.67% क्या होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा 16.67% हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत बताइए, क्लियर है। तो ये समझ देखो कुछ लोग गड़बड़ी यहाँ पे क्या करते हैं, वो सिर्फ वैल्यू को बराबर करेंगे कि अच्छा 5 में यहाँ पे, या फिर जो है ये 25% लाभ तो इसको 5 से 4 कर देंगे, ठीक है। 5 से 4 करने का मतलब क्या हो जाएगा, उसका 20% का लॉस बता देंगे, 20% दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको विक्रय मूल्य भी क्या करना, बराबर करना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करके बताएं। 574 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, 574 फैक्टोरियल के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात करें, कैलकुलेट करके बताइए। तो डाटा यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, 574 फैक्टोरियल यानी 574 का फैक्टोरियल दिया गया है, शून्य की संख्या, तो अगर आपसे ट्रेलिंग जीरोस की बात करी जा रही, यानी कि क्रमागत शून्य की बात करी जा रही, तो आपको क्या करना है ये बताएगा। फिर 5 का भाग, अगर फैक्टोरियल में डाटा, 5 का भाग तब तक लगाओ जब तक संख्या 5 से डिवाइड हो, और आप उसको लिखते चलिए बाद में जोड़ देना, ठीक है। तो इसमें 5 का भाग लगाते हैं, 5 से ये चला जाएगा एक बार, 5 से चला गया एक बार, और यहाँ पे बच गया 24, यानी 5 चौके 20 हो गया। 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, 5 से डिवाइड करोगे 2 बार, 5 से डिवाइड करोगे यह आपका 4 बार, तो 14, 4, 18 और 22, 40 हो गया, यानी कि 140 क्या होगा, 14, 4, 18, 22, 40, ठीक है, 140 क्या होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो कोई भी फैक्टोरियल का डाटा दिया गया हो, आपको क्या करना है, 5 का भाग लगाना है, कब तक, जब तक जो है संख्या 5 से डिवाइड हो, ठीक है, जब तक संख्या 5 से डिवाइड होती है तब तक आप 5 का भाग लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, 6a = 4b = 9c, व्हाट इज ए रेशियो बी रेशियो, बताइए एबीसी का अनुपात क्या है, कैलकुलेट करके बताइए। फटाफट सॉल्व करके बताइए,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, आप क्या करो गुणांक का एलसीएम जो है इनके बराबर कर दीजिए, 6a = 4b = 9c। हम लोग क्या करेंगे, गुणांक का एलसीएम यानी कि 36 को सबके बराबर कर देना, तो 36 को सबके क्या किया, बराबर कर दिया। तो यहाँ से एबीसी का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, एबीसी का अनुपात कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 6 बार, 4 से डिवाइड करोगे 9 बार, 9 से डिवाइड करोगे 4 बार, यानी कि 6 अनुपात 9 अनुपात 4 क्या होगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा, 6 अनुपात 9 अनुपात 4 जो है हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसका आंसर बताइए क्या होगा, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 18 रन बनाता है जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है, 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें, 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर ज्ञात करें, कैलकुलेट करिए और बताइए आपका आंसर क्या होगा। सॉल्व करके बताएं, अब देखो इन्होंने क्या बताया कि वो 88 रन यानी कि 88 रन बताया है जिसकी वजह से उसका औसत स्कोर 4 बढ़ गया है, तो 11वीं पारी के बाद यानी कि आफ्टर, देखो अब इसका मतलब आप ये देखो कि नया पूछा जा रहा है फिर पुराना पूछा जा रहा है, तो हमसे यहाँ पे नया वाला एवरेज पूछा जा रहा है, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, नया औसत की बात करी जाए तो वो कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो 88 में से क्या हुआ, कुछ रन उसके खर्च हो गए होंगे पुरानी पारियों के औसत से औसत को बढ़ाने में, भाई 11वीं पारी में वो रन बनाया तो जो पीछे की 10 पारियां थी उसका औसत स्कोर भी तो 4 से बढ़ाया है, तो 88 में से आप 40 घटाओगे तो 48 क्या होगा, आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा, 48 क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आपस में बातचीत कम, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है, जो आपका आंसर आता है उसको बताएं, और नहीं बनता है अगर आपसे क्वेश्चन ना बने तो कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ के बैठा, कितनी बार, 2 बार मिनिमम आप क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद बैठे। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से, आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से, इसको बंद करना पड़ेगा वरना ये जो है नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग अपने घर में जो मोबाइल वगैरह चेक करने लगे होंगे, बोले अलार्म कहाँ बजने लग गया, जो लोग स्पीकर पे देख रहे होंगे, बाकी अगर कोई हेडफोन से मतलब सुन रहा होगा तो उसको एक बार अचानक से आवाज बड़ी हुई नजर आई होगी। एक बेईमान व्यापारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से चीनी बेच रहा है और यह दिखावा कर रहा है कि उसे 5 रुपए प्रति केजी का नुकसान हो रहा है, लेकिन वह वास्तव में तौल में हेरा फेरी करके 1 किलो की जगह 800 ग्राम ही तौल रहा है, उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझ लो, तो ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी। देखो सवाल में बोला जा रहा है वो क्या कर रहा है, 40 के हिसाब से वो बेच रहा है, ठीक है, और वो दिखावा कर रहा है कि 5 का घाटा हो रहा है, यानी 45 को मतलब 45 में उसने खरीदा था। ठीक है, 1 किलो की जगह यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम ही वजन तौल रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, कैलकुलेट कर लीजिए, 0 से 0 ये चला गया, 8 से डिवाइड करोगे 8 × 5 = 40 हो गया, और 5 से डिवाइड करेंगे 5 × 9 = 45 हो गया, यानी 9 रुपए वाली वस्तु जो है वो 10 पे बेची जा रही है, तो ओरिजिनल में उसका लाभ कितना हो रहा है। ठीक है, जितना वो दिखावा कर रहा है ना तो वो हो रहा है। ठीक है, 1 यूनिट का वो प्रॉफिट कमा रहा है किस पे, 9 पे, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी,
11 सही 1/9%। क्या होगा? 11 राइट 1/9% हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही जवाब हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, 11 सही 1/9% क्या होगा हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देखो मेन ये है, बेईमान दुकानदार का अगर सवाल हो, बोला जा रहा है इतने के बदले, ठीक है, बदले में जो दे रहा है वो वही उसके घर से जा रहा है, आपसे जो वो पैसा ले रहा है वो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसके बदले में वो जितना मतलब जितना वो आपके लिए तौल रहा है या फिर जितना आपको वो दे रहा है वही क्या है उसका कॉस्ट प्राइस। जैसे सवाल में बोला जाएगा 1 किलो के बदले इतना, कल को ऐसा भी बोला जा सकता है कि 900 ग्राम के बदले 800 ग्राम, तो 900 ग्राम जो विक्रय मूल्य पे जाएगा, क्यों? क्योंकि आपसे वो पैसा ले रहा है 900 ग्राम कहकर। इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके सवाल का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग पढ़ाई करें और जो भी आपका आंसर आता है उसे बताइए। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या दिया गया, कैसे दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया एक ही समय पर शुरू हुई दो कारें ए और बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए टी घंटे बाद मिलती हैं और मिलने के बाद क्रमशः 18 घंटे और 32 घंटे बाद अपने गंतव्य तक पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटे है तो कार बी की गति क्या होगी? देखो अगर हमसे बोला जा रहा मिलने के बाद का समय, ठीक है, मिलने के बाद का समय दिया जाएगा तो वहां पर S1/S2 क्या हो जाएगा, यानी उनके चाल का अनुपात क्या होगा भाई, रूट का T2/T1 कितना हो जाएगा, रूट का T2/T1 हो जाएगा। तो S1/S2 कितना है, S1/S2 कितना है, A की चाल 48 बताई गई, B की चाल आपसे पूछी जा रही है। अब देखो T2 T1 क्या, जो समय आपको पहले बोला गया वो T1 है, जो बाद में बोला गया वो T2 है, तो 32/18 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें, नहीं 2 से डिवाइड करें क्योंकि इसका रूट लेना है, तो ये आपका 4/3 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 12, और 12/3 कितना हो जाएगा, बी की चाल कितनी आ जाएगी 12/3 यानी कि 36 जो है हमारे प्रश्न का सही जवाब दे मतलब है, ठीक है। और अगर ये ना होता, सिर्फ बोला जाता एक दूसरे से विपरीत चलते हैं, तो फिर वहां पे चाल का अनुपात क्या होता, S1/S2 जो है आपका T2/T1 होता। क्या होता, S1/S2 जो है वो T2/T1 होगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 100 वस्तुओं का माध्य 47 है, चलो पहले आराम से इसको पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर बताइए। और देखो अगर ये टाइम समाप्त भी हो जाता, आप सॉल्व करें थोड़ी मतलब कैलकुलेशन आपकी बची, तो पूरा कैलकुलेट किया करो, ये नहीं कि आराम से बैठ गए, ठीक है, ये काम नहीं। सौ वस्तुओं का माध्य 47 है, बाद में यह पता चला कि 3 वस्तुएं जो कि 60, 70 और 80 थी उन्हें गलती से क्रमशः 40, 20 और 50 पढ़ लिया गया। क्या पढ़ लिया गया, 40, 20 और 50 पढ़ लिया गया। देखो सही डाटा क्या था, गलत, उसको गलती से पढ़ा दिया गया, ठीक है। तो 60, 70, 80 होनी चाहिए थी और गलती से इसको पढ़ कितना लिया गया, 60, 70, 80 की जगह 40, 20 और 50 पढ़ लिया गया। तो देखो इस सवाल को आप करोगे कैसे, देखो जो गलत है ना उसको सही बनाना पड़ेगा,
ठीक है, 4, 2, 6, 5, 11 हो गया, यानी कि 110 को करेक्ट करके क्या बनाना है, 7, 6, 13 और 8, 21 यानी कि 210 बनाना है। तो 110 को 210 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 आपको ऐड कराना पड़ेगा, यानी कि 100 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा भाई, सही माध्य की बात करी जाए तो कितना हो जाएगा, पुराना एवरेज बताया गया 47 यानी 47 है, तो 100 जोड़ना पड़ेगा। संख्याएं भी कितनी है, 100 है, तो 100 का आप भाग लगा दोगे तो 47 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 48 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 48 हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, 48 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की कोई समस्या, आ जाइए इधर। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2,464 वर्ग मीटर हो तब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2,464 वर्ग मीटर हो तब आपसे पूछा जा रहा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, कैलकुलेट करके बताएं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, बोला गया वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है और वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, रेडियस का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको बताई गई है 2464 यानी कि 2,464 बताया गया। तो 22 से डिवाइड करते हैं, 22 से चला जाएगा आपका ये एक बार, और 22 से चला जाएगा एक बार, 22 × 2 = 44 हो गया। ठीक है, देन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई हमने इसमें से 7 बाहर निकाल दिया, तो 7 से डिवाइड करोगे एक बार और 7 × 42 यानी कि 4 का वर्ग आ गया। तो आर की वैल्यू यहां से आ गई कितनी, 28 यानी कि 28 आ गया। देखो वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप बराबर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 × भुजा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त का परिमाप होगा 2πr यानी कि 2 × 22/7 हो गया और r की जगह आ जाएगा 28। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 × 7 = 28 हो गया और 7 × 7 चला गया, तो यहां से वर्ग की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 44 आ गया यानी कि 44 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, भुजा का वर्ग यानी कि 44 का स्क्वायर हो जाएगा और इकाई का अंक आएगा 6। बिल्कुल सही बात है, बोले सर अब क्या होगा, ठीक है भाई 44 का वर्ग जो है ये आ तो गया, बट इसमें से कौन सा आंसर सही है ये तो डिपेंड करता है। तो 44 × 44 जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा, एक तो हमारे पास तरीका ये है, 8 से ये डिवाइड है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 8 से ये गया एक बार और उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 13, 8 से गया एक बार बच गया 5, 8 × 56 ये भी जो है आपका 8 से डिवाइड है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम लोग वो वाला तरीका लगा देंगे, कौन सा भाई, स्क्वायर वाला। देखो 50 से ये 6 कम है तो 6 का वर्ग यानी 36 जो है आपका लास्ट में आएगा। ठीक है, 36 लास्ट में आएगा तो 1936 क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो आपको कई सारे मेथड, कई सारे तरीके, कई सारे मतलब टेक्निक्स पता है, तो आप मतलब कुछ ना कुछ लगा के आप आंसर बता दोगे। ठीक है, इसका आंसर बताएं, अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा और खुद चेक कराइएगा किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, आंसर अभी आपको पता चल जाएगा, बस 30 सेकेंड बाद। इलेवन फैक्टोरियल की पावर 5 फैक्टोरियल में शून्य का संख्या बताइए, 11 फैक्टोरियल की घात 5 फैक्टोरियल में शून्य का संख्या बताइए। ठीक है,
फटाफट सॉल्व करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। खैर आपका समय जो है समाप्त हो चुका है, आप देखो ध्यान सुनना, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो पूछा गया है, ठीक है। बोले सर 11 5 का भाग लगाएंगे तब तक जब तक डिवाइड होगा, बिल्कुल सही, बट वो काम आप सिर्फ और सिर्फ आधार में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पता कर रहे हैं 5 से डिवाइड करोगे दो बार जाएगा, बस रुक जाना, यानी कि यहाँ पे 10 की घात 2 आ गया, मतलब यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। अब देखो नंबर कुछ भी रहा होगा, 10 की घात 2 है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा भाई, 5 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक का गुणा, ठीक है। अब वैल्यू जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं याद है वो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, 120 आ जाएगा। तो 10 की घात 2 और इसकी होल टू दी पावर, देखो मैं फिर से बता देता हूं, ये एक्चुअल में 11 फैक्टोरियल क्या है, कोई भी संख्या होगी, बट यहां पे हमें 10 की घात 2 मिलेगा, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है इधर, वरना कोई सोचे कि इसका मान 10 की घात 2 कैसे आ गया, और इसकी पावर 120 है, तो यहां पे शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 240 यानी कि 240 हो जाएगा। और हाँ किसी को पता ना चल रहा हो तो ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, 1 से लेकर 11 तक का आप गुणा करा लो, ठीक है, 1 से लेकर 11 तक का गुणा कराइए, आपको देखो जो ट्रेलिंग जीरोज होगा यानी लास्ट में जो जीरो होगा वो आपको 2 ही मिलेगा, ठीक है। कितने जीरो मिलेंगे, 2 जीरो आपको मिलेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, वरना फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए इसका आंसर बताएं क्या होगा, एक अर्ध गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसके आयतन की गणना करें, एक अर्ध गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, इसके आयतन की गणना करें, तो कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ये हो गया एक अर्ध गोला, इसकी त्रिज्या आपको बताई गई और आपसे इसका आयतन पूछा जा रहा है, कैलकुलेट करके बताए। तो हटाई तो इसकी कोई जरूरत है, ठीक है, आयतन कितना दिया गया, मतलब आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, 2/3 पाई आर का क्यूब, तो ये आपका पाई आ गया, त्रिज्या जो है आपको 6 बताएगी, 6 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करेंगे भाई, 36 × 2 बचेगा, यहाँ पे 36 × 2 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 72, और 72 × 2 आपका हो जाएगा 144, तो 144 पाई क्या होगा, आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब, गोले का कर्व सरफेस एरिया 4πr², अर्ध गोले का कर्व सरफेस एरिया 3πr², ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या दिया गया, 3^8 − 1 किससे विभाजित है, ठीक है, 3^8 − 1 किससे डिवाइड है, तो 3^8 − 1 देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और ध्यान किस तरह से दोगे, 3^8 − 1 ध्यान किस तरह से देंगे, a का वर्ग माइनस का b का वर्ग, यह आपका किसके बराबर होता है, एक ब्रेकेट में आ जाएगा a प्लस बी और अगले ब्रेकेट में आपके आ जाएगा a माइनस का बी, ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, a प्लस बी का मतलब क्या होगा, 3^4 + 1 हो जाएगा और अगले ब्रेकेट में 3^4 − 1। अब देखो 3^4 आप सॉल्व कर सकते हो, 9 × 9 = 81 है, तो 81 + 1 = 82 हो गया और 82 × 80 आ जाएगा। अब भाई ऑप्शन देखो, कुछ लोगों ने 80 का मल्टीपल देख के जो है 240 बता दिया होगा या फिर जो है और 320 बता दिया होगा, वो गलत है। क्यों गलत है, देखो हमारे पास 80 तो है बट 3 है कहां पे, 3 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। दूसरा आप ये बात समझो, चलो 320 को भी चेक कराते हैं, 80 तो है बट क्या हमारे पास एक 4 है, ये तो 4 से डिवाइड नहीं है ना, तो
तो आपका 320 भी आंसर नहीं होगा, आंसर बचा क्या 410, ये सही होगा। अब 410 हमें मिला कहां से, देखो यहां से आप निकाल लो 41 × 2 है और यहां से आप 10 × 8 है, तो 41 × 10 यानी कि 410 क्या होगा हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा 410 हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 410 हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, सॉल्व करके बताइए। गौरव ने छह रुपए में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपए में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया, उसके हानि प्रतिशत की गणना करें, उसके हानि प्रतिशत की गणना करें, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, फटाफट सॉल्व करके बताएं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 रुपए में 5 के हिसाब से खरीदा और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दिया, तो सीपी और एसपी के लिए आप क्या करोगे, देखो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखो रुपया आएगा ऊपर और क्वांटिटी आएगी नीचे, तो रुपए की बात करी जाए भाई 6 रुपए में 5 वस्तुएं यानी कि 6/5 हो जाएगा और फिर बोला गया 11 रुपए में 10 वस्तुएं यानी कि आपका 11/10 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई 6 × 10 ये आपका हो जाएगा 60 और 11 × 5 = 55 हो गया। देखो गुणा कैसे कराना, कई लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, एरो ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 10 × 6 = 60 आएगा, यहाँ पे कोई यहाँ पे 11 × 5 = 55 नहीं लिखेगा, यहाँ पे 5 × 11 यानी कि 55 इधर आएगा, तो आप डिवाइड करोगे 5 से 12/11 आ जाएगा यानी कि 1 यूनिट का लॉस है, 1 यूनिट का घाटा है किस पे 12 पे, परसेंटेज निकालना है 100 का आप गुणा करा लेंगे तो प्रतिशत वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 सही 1/3%, ठीक है, क्या होगा 8 सही 1/3% हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा और ये आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो परसेंटेज जब पढ़ाया जाता पार्ट वन वहां पे आपको बताया जाता है। और जल्दबाजी में देखो ऑप्शन नंबर डी 1 बता देना, ये आपका 8 सही 2/3 दिया गया, कितना दिया गया है 8 सही 2/3 दिया गया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा, सॉल्व करें और बताएं आपका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताइए। क्या बोला गया है, एक तैराक की धारा के अनुकूल गति 11 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे, तैराक की धारा के प्रतिकूल गति बताइए, प्रतिकूल अनुकूल का मतलब देखो क्या है मतलब धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब हो गया धारा की विपरीत दिशा में, इधर धारा की विपरीत दिशा में, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अनुकूल गति आपको बताएगी यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 11 बताएगी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको 11 बताएगी, ठीक है, और धारा की गति 1.5 बताएगी, तो अब आप कैलकुलेट कर लो जो आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है, धारा के प्रतिकूल, वो कुछ लोग क्या करेंगे 11 में से 1.5 घटा देंगे, ठीक है, आंसर 9.5 बता देंगे और ये गलत हो जाएगा, क्या होगा गलत हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, देखो एक्स के मान की बात करी जाए तो ये आपका 11 माइनस का 1.5 यानी 9.5 आएगा नो डाउट, बट हमसे धारा के प्रतिकूल यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू पूछी जा रही है, तो x माइनस वाई का मतलब 9.5 में से आप 1.5 घटाओगे
जो कि आपका आंसर कितना देगा, 8 देगा, यानी कि 8 क्या होगा आपके सवाल का सही जवाब होगा, क्या होगा 8 हमारे प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या? इसका आंसर बताइए, कैलकुलेट करिए और बताइए आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। छह अंक वाली संख्या 627XY0 125 से विभाज्य है, ऐसे छह अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, यानी कि ये जो 6 डिजिट का नंबर दिया गया है ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं बताइए, कैलकुलेट करके बताएं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन में क्या बोला गया, 6 अंकों वाली संख्या है और जो आपको बताई गई 627XY0। अब देखो एक बात यहाँ पे समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है, 125 का मल्टीपल, क्योंकि इकाई का अंक 0 है तो 125 का मल्टीपल क्या क्या आपने लिया भाई, 125 गुणे दो 250 भाई लास्ट में 0 आ गया, 500 भी 125 से डिवाइड, यानी कि अब 250 का मल्टीपल हम लोग लेके चलेंगे। देखो 250 का मल्टीपल बनाएगा 1000, यानी लास्ट में अगर 3 0 भी है ना, लास्ट में अगर 3 0 है यानी एक्स वाई भी 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो भी तो संख्या आपकी क्या होगी 125 से डिवाइड होगी, तो इसका 4 सही जवाब होगा, 3 क्या होगा गलत जवाब होगा। ठीक है, 3 क्या होगा गलत जवाब होगा, हमारी संख्या अभी भी तो 6 अंक की है ना, यहां भी 6 अंक की है, यहां भी, यहां भी, यहां भी। आ जाइए बढ़ जाते हैं आगे, चलिए इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपका आंसर क्या आएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, 3 जो बताया होगा ना उसने 000 को मिस कर दिया होगा, यानी कि छोड़ दिया होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। और देखो डेली मतलब चाहे देखो जीडी में आप देखोगे 20 सवाल आते हैं, यूपी पुलिस में 19 से 20 प्रश्न, ठीक है, तो 20 प्रश्नों की ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, 20 से 21 क्वेश्चन जो है डेली इस क्लास में करेंगे, बाकी जो रेलवे की क्लास है वो आपकी होती है सुबह के 9 बजे। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 4 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, उन्होंने एक चक्कर पूरा करने में 400 सेकंड, 600 सेकंड और 720 सेकंड और 900 सेकंड का, ये देखो 4 धावक है, चारों का अलग अलग समय बताया गया है, ज्ञात करें कि वे कितने समय के बाद पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिले थे। ठीक है, कितने समय के बाद शुरुआती बिंदु पर मिले थे। अब देखो पहले तो एक बार वो चलना स्टार्ट किए एक जगह से और वृत्ताकार पथ आपको बताया गया इतने सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा भाई। डाटा क्या क्या दिया गया है, 400 600 और अगला हो गया आपका 720 900, तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन से कर लो वो ज्यादा बेटर पड़ेगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है, यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों चारों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं, ये तो 720 से डिवाइड है नहीं, इसको कह दो टाटा बाय बाय। ठीक है, और बाकी बताइए, ये 400 से डिवाइड है, जी हाँ, 600 से डिवाइड है, जी हाँ, 900 से डिवाइड है, जी हाँ। अब देखो इसको क्यों नहीं चेक कराने, ये तो 9 से डिवाइड ही नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं, और ये आपका 720 से भी डिवाइड है, 72 से ये डिवाइड है, 72 × 5 360 होता है। ठीक है, 720 से ये डिवाइड है, तो यही क्या होगा, 3600 सेकंड जो है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए, अगर कोई मतलब ऐसा प्रश्न बनाया जाए, आपसे बोल दिया जाएगा कि ये लोग 10 बजे एक साथ दौड़ना शुरू किए वृत्ताकार पथ पर, तो बताओ कितने बजे फिर से ये मिलेंगे पहली बार, तो कितने बजे मिलेंगे? 3600 सेकंड को आप मिनट में बदल दो, ठीक है, तो आप देख लेना 10 बजकर कितने मिनट पर ये एक दूसरे से मिलेंगे, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करो, हो सकता है वो घंटे में आज है, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो एक्चुअल में ये क्या है, घंटे में ही डाटा आ जाएगा, ठीक है, एक्चुअल में जो आपका डाटा आएगा वो घंटे में आ जाएगा, ये एक घंटे ही है, ठीक है, तो अगर 10 बजे चलेंगी तो 11 बजे मिलेंगी, बताइए। यदि आमों की कीमत 40% कम हो जाती है तो 120 रुपए में 32 आम और मिल सकते हैं, प्रत्येक आम का मूल्य ज्ञात कीजिए, प्रत्येक आम का मूल्य ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट करें और बताएं आपके प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आमों की कीमत 40% कम हो जाती, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 40% का भिन्नात्मक मान होता है 2/5, क्या होता है? 2/5 होता है, तो ये आपका 2y5 आ जाएगा, ठीक है, और फिर आपसे बोला गया 120 में 32 आम और मिल सकते थे, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, यानी कि डाटा जो है आपका 16 गुना हो जाएगा, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 5 × 16 यानी कि आपका हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक आम का मूल मूल्य यानी कि ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा था, ओरिजिनल प्राइस कौन सा था जो पहले था? अभी तो बोला गया कम हो जाए ज्यादा हो जाए, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ठीक है, तो मूल मूल्य हमसे पूछ रहे हैं यानी कि पहले भाई, अभी 32 आम और मिलते हैं तो 80 में से 32 घटा दीजिए, यानी कि पहले उसको मिलते थे सिर्फ और सिर्फ 48 आम, ठीक है। रेट की बात करी जाए, मूल्य की बात करी जाए, तो मूल्य आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 120 रुपए में 48 आम, तो 24 से डिवाइड करेंगे 5 बार, 24 से डिवाइड करोगे 2 बार, यानी 2.5 रुपए में एक आम मिल रहा है। कितने रुपए में? 2.5 रुपए में, क्या हो रहा है? 2.5 रुपए में प्रत्येक आम मिल रहा है, तो ये क्या होगा? आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्लियर है? बताइए यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है? बताइए